छत्तीसगढ़ में किसानों का आज भी वही हाल है जो विधानसभा चुनाव के पहले था। ये हम नहीं कह रहे, ये किसानों का कहना है। दरअसल राज्य सरकार ने किसानों का कर्ज माफी का ऐलान कर दिया है, लेकिन दो बैंकों को छोड़कर बाकी बैंकों ने अब तक कर्ज माफ नहीं किया, जिसके कारण किसान डिफॉल्टर होने के कगार पर हैं और समय पर खातू माटी के लिए ऋण नहीं मिलने पर एक बार फिर से साहूकारों के चंगुल में फंसने को मजबूर है। आखिर राज्य सरकार का फैसला और किसानों को दावा के पड़ताल में किसानों से खास बातचीत की है सुराज संवाददाता सत्यारा शूट ने। जो कर्ज माफी का वादा किया गया है वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है, जिससे किसान को और मजबूर हैं कि वो खेती किसानी कैसे करें और बहुत चिंतित हैं और साथ में उन्हें डिफॉल्टर होने का भय सता रहा है। इस मुद्दे को लेकर हमारे पास किसान नेता किसान मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से इनको कर्ज माफी का फायदा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। जो ये सरकार कर्ज माफी का एक के बाद एक ऐलान कर रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं, क्या फायदा मिला आपको? मैं तो स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसानों के साथ जबरदस्त धोखा हुआ है, क्योंकि चुनाव के पहले घोषणा किया था कि हम जितने भी केसीसी ऋण हैं सभी बैंकों के उसको पूरी तरह माफ करेंगे। आज कोऑपरेटिव बैंक भर का हुआ है और अन्य बैंकों का नहीं हुआ है, तो ये तो हम लोगों के साथ जबरदस्त धोखा है। आज हम डिफॉल्टर की श्रेणी में आ गए हैं। आज हम बैंक में जा रहे हैं तो जब तक आप पैसा नहीं पटाओगे या सरकार नहीं पटाएगी आपको लोन नहीं मिलेगा। तो किसान बिल्कुल सामने खरीफ फसल लेनी है और किसान बहुत घबराहट में। ऐसे ये घोषणा हुई है कर्ज माफी का, ये कब तक हो जाना चाहिए था माफ तो किसानों को फायदा मिलता? क्या अभी समय है कि अभी अगर कुछ दिनों में माफ कर दिया जाए तो किसानों को फायदा मिलेगा, या टाइम हो चुका है? ये जो ऋण माफी है जिस प्रकार ने शासन जो वादा किया था, मैं एक आपको उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे कि हमारे 20% किसान भाई, 20 से 30% किसान भाई जो नेशनलाइट बैंक से कर्जे लिए हैं, उनके पास भी फसल उसी समय आता है जो जिला सहकारी बैंक के किसान भाई जो कर्ज लिए हैं उसी समय। तो उस समय क्या होता है, जो अन्य बैंक से कर्ज लिए रहते हैं तो किसानों के जो हम धान वगैरह या जो हम फसल बेचते हैं तो हमारा एक मुश्त पैसा हमारे हाथ में आता है। उस पैसे को हम बैंकों को रिन्यूअल करने के लिए या उस राशि को जमा करते हैं, कब, जब हम अपनी फसल बेच लेते हैं नवंबर दिसंबर में, तो त्वरित रूप से उसमें हम अपने बैंक के ऋण खाते में जमा करते हैं, जिससे हम बैंकों के नजर में फिर एक साल के लिए, एक वर्ष के लिए हम लोग क्लियर मेंबर हो जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारा ऋण सीमा में भी बढ़ोतरी होती है। तो ये जो ये है, मतलब मापदंड है, ये हमारे लिए बैंकों में पूरी तरीके से रुकावट हो चुका है। अभी आपने सुना उन किसानों को जो प्रदेश के हजारों किसानों की जो दुख दर्द है वो आपके सामने रखा। उनका कहना है कि सरकार बनाने के लिए राजनीतिक पार्टी वादे तो कर देते हैं, जब इसको पूरा करने का समय आता है तो कई सारे नुक्स नियम लगाकर उसमें हेर फेर करते हैं। जैसे कि प्रदेश सरकार ने यहाँ पे किसानों का ऋण माफ का वादा किया था, लेकिन 20% किसानों का इसका लाभ मिल पाया है, वो सिर्फ 21 बैंकों के 2 बैंकों में। तो इस तरह किसानों को ठगा गया है और उनको समय रहते, अगर अभी भी कुछ समय बाकी है, अगर उनका मांग पूरी नहीं की गई, उनका कर्ज माफ नहीं किया गया, तो फिर किसान वही स्थिति में पहुंच जाएंगे जो चुनाव के पहले में थे। और अब आज कैमरा में राहुल के साथ सत्यराज कुशवाहा। बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए सुराज एक्सप्रेस।